हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो जी 45 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की ना स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपके मोबाइल फोन की जो गैलरी है, गैलरी को ओपन करना है। गैलरी में आपकी जितनी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखी है, सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियो आपको परमानेंट डिलीट कर देनी है, जिससे आपके मोबाइल फोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स है ना, उन सभी फालतू के ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है, एक काम ये भी करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी एप्लीकेशन अगर ज्यादा एमबी के होते हैं, जैसे कि फ्री फायर गेम है, काफी सारे एप्लीकेशन जो है 500 या 1 GB 2 GB तक के होते हैं, तो उन बड़े लार्ज साइज के ऐप को आपको जो है ना अनइंस्टॉल कर देना है, जिससे आपके फोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। ठीक है ना, तो दोस्तों यहां पर जो है ना आपको सबसे आखिरी काम करना यह है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना फैक्ट्री रीसेट करना है। ठीक है, इसके लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको सिस्टम का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहां पर आपको ये ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑप्शन, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर देखिए आपको ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो इससे आपका फोन फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा और आपके फोन में जो स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, तो दोस्तों मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है,